चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिलायंस मोटर जम्मू, तो जिन्होंने ये बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो बाकी राइडर भी सभी पहुंच गए हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर जा रुके हैं, उनकी बाइक की राइडर भी आएंगे और उन्हीं के साथ ही हम अपनी राइड शुरू करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कैपिटल टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोडी। सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। सफरनामा के आज के सफर में हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है सुचेतगढ़ बॉर्डर, जो कि जम्मू से लगभग कोई 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसके लिए आपको जम्मू से मीरा साहब और मीरा साहब से आरएसपुर आना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी थोड़ी देर में बाकी राइडर भी आएंगे, जैसे राइडर आएंगे तो टाइम दिया था 10 बजे का, तो 10:30 बजे यहाँ से राइड शुरू होगी। तो उसके बाद हम आपसे रास्ते में चलते चलते करते हैं बात और आपको दिखाते हैं आज सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो बाकी सभी जितने भी हमारे बाइकर हैं तो सभी यहाँ पर आ गए हैं और हमारी जो राइड है 5 से 10 मिनट में शुरू होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की राइड भी बहुत मज़ेदार होने वाली है और आज हम आपको दिखाएंगे सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो चलिए अब रह गए 10 मिनट, तो बाकी देखिए आप सभी राइडर। हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए फ्रेंड्स, अब रह गए हैं 5 से 10 मिनट, तो 5-10 मिनट में हम निकलते हैं सभी तिरंगे के साथ जितनी भी बाइकें लगी हैं। और दीपक जी, बड़े मज़ेदार लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा ही होना चाहिए देश के लिए प्यार। बिल्कुल, पूरे मैं तो जाता हूँ पूरे झंडे कर दूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी राइड सुचेतगढ़ बॉर्डर के लिए। और जी, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। इतनी बाइक्स और बाइक्स के ऊपर तिरंगा। तो चलिए सबसे पहले हम रुके हैं यहाँ मांडा जू के पास, और जब भी हम राइड पे जाते हैं ज़्यादातर हम यहीं रुकते हैं और यहीं से सभी बाइकर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी राइड। तो आज भी हमारे साथ काफ़ी राइडर जुड़े हैं, तो आइए हमारे साथ एक और राइडर जुड़े हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं, आइए इनसे करते हैं बात। और सर, क्या नाम आपका? अशोक। अशोक जी, कहाँ के रहने वाले आप? इधर पलाम वाला है ना बॉर्डर, शाम बॉर्डर। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से। ठीक है, तो राइड का फर्स्ट टाइम है या पहले भी शौक है आपका? अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो। ठीक है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ। मैं वाइफ को साथ लाया हूं, मैं चलो लेट अस स्टार्ट। आपने बहुत अच्छा किया, मैं भी अपनी वाइफ को साथ लाने की कोशिश करता हूं लेकिन बोलती है कि वहां से लड़के होते हैं हमारा क्या जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम भी राइड पे जाते हैं, आज मैं फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा, मैं काफी बार राइड गया हूं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि वाइफ को नहीं लेके जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सभी को मन करता, सभी का आज क्वालिटी है, जेंडर क्वालिटी चल रही है आजकल। ठीक है ना? चलो ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यहाँ से जाएंगे बख्शी नगर से सीधा हम नीचे को चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल महेशपुरा से नीचे, वहाँ से सीधा हम भगवती नगर वाली साइड को जाएंगे, जो हमारा यात्री भवन वाला जो ब्रिज है, छोटा ब्रिज, वहाँ से निकलेंगे सीधा सतवारी। बिल्कुल बिल्कुल, भाई बेली चौराहा निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक मिल जाएगा इससे, हम सीधा डायरेक्ट वहाँ पे सतवारी चौक निकलेंगे, देन वहाँ से हम अपना राइड सीधा को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब अगर कोई ग्रुप में लीड करना चाहता है वो आ सकता है, अगर कोई लीड करना चाहे। आप करो, आप करो।
ठीक है, बट ये है कि कोई रैश ड्राइव नहीं करना है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो चल रहा है ना, वो अपने पीछे वाले को देखेगा मिरर में कि वो मेरे साथ है या नहीं, एक दूसरे को कोई रैश ड्राइव नहीं करना, आराम से, बड़ा टाइम है हमारे पास। तो चलिए अब हम मांडा जू पेट्रोल पंप से शुरू कर रहे हैं अपनी राइड। आप देख सकते हैं हमारे साथ आज कितने बाइकर जुड़े हैं। ये आज जो हमारे साथ बाइकर जुड़े हैं वो कम से कम भी कोई 15 से 20 बाइकर जुड़े हैं। तो आज की राइड भी हमारी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं काफ़ी देर से पिछले साल भी सोचा था कि मैं 26 जनवरी को जाऊँगा सुचेतगढ़ बॉर्डर या 15 अगस्त को जाऊँगा, पर नहीं जा पाया। तो चलिए आज मौका मिला जाने के लिए, आज हम करेंगे सुचेतगढ़ बॉर्डर की राइड और आपको दिखाते हैं आज सुचेतगढ़ बॉर्डर। सवारी में हमारे साथ एक और राइडर जुड़े हैं और उनसे भी हम मिलेंगे बाद में। काफी अच्छा। अगर आप सुचेतगढ़ का पूरा रूट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सफ़रनामा विद सुनील सोढ़ी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी एक बार आया था तो उस समय इतना जोश नहीं था, क्योंकि आज के टाइम में हमारे साथ काफ़ी बाइकर हैं, उस समय हम सिर्फ एक से दो बाइकर आए थे। तो अगर आप ये पूरा रूट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सफ़रनामा विद सुनील सोढ़ी को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जम्मू से लेकर सुचेतगढ़ बॉर्डर तक आप इसका पूरा रूट देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेलिंग के साथ बताया हुआ है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर और आप सामने मेरे देखिए यह है सुचेतगढ़ बॉर्डर। और हमसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी बाइकें आई हुई हैं, जैसे जितनी आपने देखा सब KTM की है और इस पर हमारी जो है बुलेट की राइड और इनकी KTM की राइड भी है आज। और सामने देखिए यह है सुचेतगढ़ बॉर्डर। और हमारे जितने भी राइडर भाई हैं सभी पहुंच गए हैं और अपने अपने अभी बाइकें लगाएंगे और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो चलिए यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क अपनी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अंदर और यहाँ का व्यू देखिए काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, तो आपको बता दूं थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहीं से हमें बॉर्डर दिखाई देगा, एक तरफ हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है और उस तरफ जो है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो चलिए थोड़ा सा चलने के बाद आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। अब हम फिर से आए हैं एक साल के बाद, तो अभी हम देखेंगे क्योंकि पिछले साल तो धुंध थी, धुंध की वजह से हम नहीं देख पाए, इस साल हम देखेंगे। वो देखिए सामने आप, एक तरफ हमारा भारत का झंडा और दूसरी तरफ रहा पाकिस्तान का। ये किसका है? ये अपना ही है, अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, रखो रखो कोई नहीं, सारे ग्रुप में ही होंगे वैसे यार, सारे ग्रुप में डाल देंगे, सबके पास ग्रुप में आ जाएंगे, सबको डाल देंगे। तो कैसा लगा आपको ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल सफरनामा विद सुनील सोढी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर खासकर जम्मू के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग भी आते हैं और बाहर के टूरिस्ट भी हैं जो जा रहे हैं। सर आप कहाँ से हो, कहाँ से हो सर? हम हैदराबाद। हैदराबाद से हो? फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, क्या यूट्यूबर जी? और क्या नाम आपका सर? महेश। महेश सर आपका? सुकेश। और कैसा लगा बॉर्डर आपको ये? अच्छा लगा, हैप्पी फील। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये रहा इनका मेन गेट जहाँ से हमने एंटर किया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आइए, हमारे साथ आए हैं अंजुम सर, साहिल जी और ऋत्विक जी। हाँ जी अंजुम सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहेंगे सबको, हैप्पी रिपब्लिक डे जी हमारी तरफ से जी। और आगे आप ऋत्विक जी बोलेंगे। बॉर्डर देख के खुशी हो रही है बड़ी, यहाँ पता रह के चलता पता कि हम इंडिया में रहते हैं। और आप? और ये हमारा आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, इस दिन हम रिपब्लिक हुए थे। ये सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई है। सर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? फर्स्ट टाइम ही आया। फर्स्ट टाइम आया, कैसा लगा आपको ये? बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल नज़दीक जाके देखा, जो अपना बॉर्डर है जी, तो उनके लोग भी आए थे, तो हमारे जो यहाँ BSF के हैं उनसे मिले हम, बड़ा बढ़िया लगा। अच्छा लगा ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपको बता दूं, जैसे हम सुचेतगढ़ बॉर्डर से बाहर निकले तो सामने देखिए जी है रघुनाथ मंदिर। तो अगर आप इस मंदिर की पूरी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और सर्च करें, और उसमें मैंने इस मंदिर का पूरा वीडियो बनाया है, तो उसकी पूरी डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो आइए, अब बॉर्डर के बाहर आने के बाद यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो चलिए रेस्टोरेंट में थोड़ा चाय पीते हैं या कुछ खाते पीते हैं यहाँ पर। बाकी हमारे जितने भी राइडर भाई हैं सारे बैठ गए हैं। थोड़ी देर चाय पीते हैं यहाँ पर। ये है चौधरी कैंटीन, तो ये थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि हम जब आए थे तो हमने बाइक्स की जितनी भी हेलमेट बैग हमने यहीं पर रखा, तो पिछले बार भी हम जब आए थे तो हमने यहीं ब्रेकफास्ट किया था। तो यही जो बार कैंटीन है, तो कैंटीन में हमने अपना सारा हेलमेट बैग हमने यही रख दिए थे। तो फिलहाल अभी हमने चाय के साथ मंगवाए हैं पकोड़े, और यहाँ के पकोड़े भी बहुत टेस्टी हैं। जहाँ पर आइए और पकोड़ों का मज़ा भी लीजिए। कैसे लगे आपको पकोड़े? एक्चुअली देखा जाए तो जगह के साथ साथ पकोड़े भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और अच्छी बात यह है कि गांव स्टाइल देसी स्टाइल का एकदम सही सही। तो चलिए आइए, अब हमने यहाँ से चाय और पकोड़े खा लिए, तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पास में ही है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ गराना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाहर के पक्षी आते हैं सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए। तो चलिए फिर से चलते हैं वहाँ पर एक बार। तो चलिए अब सभी अपनी अपनी बाइक कर रहे हैं स्टार्ट, और मैं भी करता हूँ अपनी बाइक स्टार्ट। तो अब चलते हैं एक और जगह। ये तो खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इनको ना अपहिल लेके चलो, इनके साथ चलो आप। अभी हम जा रहे हैं घराना, तो जहाँ आपको बता दूँ यहाँ पर सिर्फ जो पक्षी है वो बाहर से आते हैं, और आते हैं सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए। तो इसका वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ, और फुल डिटेल चाहिए तो आइए और देखिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो। और अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं।
तो सभी अब यहाँ करेंगे अपनी अपनी गाड़ी पार्क। क्या क्या दावत रखी है? तो वो देखिए, वो रहे पक्षी। फिलहाल तो अभी काफ़ी दूर दूर हैं और जितने भी हैं यहाँ पर सबके नाम लिखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है पक्षी जो आप सामने देख रहे हैं, और ये यहाँ को 2 से 3 महीने के लिए आते हैं यहाँ पर। उसके बाद पूरा साल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और आपको बता दूँ, ये जो है सुचकेतगढ़ बॉर्डर से लगभग कोई 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये वेटलैंड, गुराना वेटलैंड। और अगर आपको यहाँ पर नहीं भी दिख रहा होगा, जहाँ दूरबीन पड़ी होगी तो दूरबीन से भी आप देख सकते हैं। पहुँचे हैं गराना में, और गराना में आए हैं सभी अपनी अपनी फोटोग्राफी करते हुए और सभी यहाँ पर एंजॉय करते हुए। नहीं सर। तो चलिए, ये था गराना वेटलैंड। और अब हम चलते हैं, फिलहाल तो अभी लंच का टाइम हो गया और देखते हैं कहीं खाते हैं कुछ, लंच करते हैं कहीं पर, और उसके बाद हम निकलते हैं वापसी अपने अपने घर पे। तो चलिए, अब सभी बाइकर रेडी हो गए हैं, अब हम निकलते हैं धीरे धीरे वापसी को। तो चलिए, अब चलते हैं वापसी को। और आज की राइड भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही इतने बाइकर के साथ, और आज तो मज़ा आ गया। तो चलिए, आप देखते हैं कोई नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी राइड होगी, इसी तरह बाइकर होंगे और भी इससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल सफ़रनामा विद सुनील सोढी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल सफ़रनामा विद सुनील सोढी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय डूगर। और कैसे रही आज की राइड? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, छोटे भाई के साथ बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। अब आप बताओ, आपको राइड कैसी लगी? मुझे तो काफी अच्छी लगी, हम तो आप ही के साथ रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट राइड पे।